पन्ना जिले में एटीएम गार्ड के सीने पर कट्टा लगाकर डायनामाइट से एटीएम का ब्लास्ट किया और लगभग 22 लाख रुपए की लूट की अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब इन्हें किसी का डर भी नहीं रहा। बताया जाता है कि बीती रात करीब 1:30 बजे काले रंग की पल्सर से दो नकाबपोश लुटेरे एटीएम पहुंचे और गार्ड को जगाया और सीने पर कट्टा लगाकर डायनामाइट से एटीएम में ब्लास्ट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। एटीएम गार्ड के अनुसार करीब 23 लाख रुपए एटीएम मशीन में रखे हुए थे जिसे लुटेरे लूट कर फरार हो गए। अपराधी इतने शातिर जान पड़ते हैं कि उन्होंने एटीएम में लगे कैमरों में ब्लैक स्प्रे का इस्तेमाल किया ताकि कैमरे काम न कर सके। एटीएम की लूट की सूचना मिलते ही रक्षपाल सिंह एटीएम गार्ड के सीने से कट्टा लगाकर डायनामाइट से एटीएम का ब्लास्ट किया गया। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। वारदात हुई सिमरिया एटीएम में, ये कितने समय की बात है? ये मतलब समथिंग 1:40-41 की बात है। अच्छा, दो आदमी थे जो बाइक से आए थे, उनने शटर को खटखटाया और फिर में मेरी नींद खुल गई, तो उसके बाद मैं खोलने को देखा, नीचे से देखा मैंने तो एक बंदा खड़ा हुआ था, तो मैंने सतर्क होने की कोशिश करी लेकिन उसने मैं शटर खोल ली उतने में उसने और मेरे सिर पे कट्टा जता दिया। क्या वो नकाबपोश थे या ऐसे ही सादा आम इंसान की तरह, मतलब बिना नकाब के थे? नहीं, नकाब बांधे हुए थे। क्या कौन सी गाड़ी से आए थे? टू व्हीलर पल्सर से आए थे। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं, उसमें आपके यहाँ जो है CCTV कैमरा चालू है? हाँ, मेरे यहाँ CCTV कैमरा चालू है। इसके बाद फिर आपने क्या किया? इसके बाद में कुछ नहीं किया, उसने मेरे कहाँ कट्टा दताया सीने में, तो बाहर खड़ा किया, इसके बाद उसने कोई स्प्रे निकाला और कैमरे में लगा दिया, पूरे स्प्रे में कैमरे लगा दिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखमनी चौधरी है। कंटिन्यू यहाँ पे सेवा देते हैं सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, सेवा देते हैं। अभी उसका हम लोग वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं और कुछ हमारे पास क्लूज मिले तो भी हम। सर, जिस हिसाब से माना जाए घटना के 24 घंटे के बाद आपके द्वारा तुरंत गिरफ्तारी कार्रवाई हो जाती है, कहीं ना कहीं उसी हिसाब से सिमरिया पुलिस भी कार्रवाई, कहीं ना कहीं ये वैसा मुद्दा सामने आता है कि इस तरह की घटना सबसे ज़्यादा सिमरिया ही थाना क्षेत्र में क्यों होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अंकुश लगाने में नाकाम साबित होना गलत होगा। अगर हम लोग आप लोग के हिसाब से देखें तो जो क्राइम का रेट है वो कोई अलार्मिंग, उसमें कोई राइज नहीं है और जो अनुसूचित और सिमरिया आने के लिए हमारे पास DSP और जल्दी ही वो सफलता से कार्रवाई करके। सर, इतने बेखौफ क्यों हैं अपराधी? देखिए, ये मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल्स होते हैं, ये इस प्रकार के जो वारदात करने वाले अपराधी हैं, ये कई जगह और भी इन्होंने वारदातें करी हैं और जल्दी ही ये पकड़े जाएंगे, तब सभी वारदातों का खुलासा इस तरह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।